360 का पेपर था, 300 नंबर का बना देते हैं, 300 नंबर का बनाया, अब एक दो दो बार लेते हैं, ठीक है, फिर दो का दो में भी शिफ्ट कितनी हो गई, 16 शिफ्ट है, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, 2021 में करेंगे 4 बार लेते हैं। भाई क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? सो क्या हाल है भाई तुम सबके, आई होप तुम्हारी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही हो। मैं हूँ हिमांशु शर्मा, DTU सेकेंड ईयर स्टूडेंट मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन इंजीनियरिंग। अब देखो इस वीडियो का कोई ऐसा खास मतलब नहीं है, ना ही इससे तुम्हें कुछ नॉलेज मिलने वाली है, ना ही कोई न्यूज, बट ये वीडियो तब भी इम्पोर्टेंट थी। अब ये चीज बताओ यार, NTA ने JEE मेंस खत्म कराया अराउंड 2 सितंबर को, और आज हो गई है यार 14 सितंबर के रात को 12 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, तो ऑलमोस्ट 15 सितंबर हो गई है, अब तक रिजल्ट का कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है। आई होप आज दिन में रिजल्ट आ रहा है, बट भाई तुम लोगों की तरफ से इतने कमेंट्स, इतनी सारी पोस्ट पे, इतनी सारी वीडियोस पे आ रहे हैं, तो ये दिख रहा है कि कितना सिंपली फ्रस्ट्रेशन भर चुकी है बच्चों के दिमाग में। एंड आई कैन होप कि भाई अगर मैं भी इस जगह पर होता, अगर मेरा भी रिजल्ट आ रहा होता, लाइक अगर लास्ट ईयर मेरे साथ ऐसा होता कि डेट एक्सटेंड पे एक्सटेंड होती जाती है, JEE एडवांस बहुत पास है, मैं ये चीज समझ सकता हूँ कि जब तक रिजल्ट नहीं आता ना, तब तक बच्चे का पढ़ने का आगे मन नहीं करता। अब देखो सिंपल सी बात है, गीता में मैं ये बताता हूँ कि तुम सबको भी पता है कि कर्म करे जाओ फल की इच्छा मत करो, बट भाई हम ह्यूमंस हैं, हम बच्चे हैं अभी 18 साल के, 17 साल के, 19 साल के, हम लोगों की बेसिक टेंडेंसी है कि भाई हम रिजल्ट देखना चाहेंगे। और अगर तुमने यार रिजल्ट बोला है कि एक हफ्ते में आ जाएगा, 4 दिन में 5 दिन में जितने भी दिन में आएगा, तो लाओ ना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। क्या हो गया NTA? भाई NTA से बड़ा प्रोक्रेस्टिनेटर कोई नहीं है भाई, मतलब JEE नीट के बच्चे गए साइड में, NTA भाई रियल प्रोक्रेस्टिनेटर, ठीक है। अब देखो ये एक NTA का रैंट टाइप क्या है बेसिकली, यार मैं समझ सकता हूँ बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो तुम लोग, तो सबसे पहला काम तो ना नीचे जाओ, ये कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खुला हुआ है, जितनी गालियां भर के देनी है ना NTA को दे दो, वहां पे अपनी मन की सारी भड़ास निकाल दो, तुम्हें जो भी दिक्कतें लगती है ना सब लिख कर चले जाओ, ताकि भाई होपफुली अगर ये कभी गलती से ये वीडियो कहीं पहुंचती है किसी ऑफिशियल के पास और वो देखते हैं, तो भाई उन्हें पता चले कि क्या सीन है, भाई बच्चों का दिमाग कितना खराब हो चुका है, सीरियसली पक गए हैं सब। ऐसी बॉडी, पहले तो एक एग्जाम होता था, ऑफलाइन होता था, चलो तुमने ऑफलाइन एफिशिएंट नहीं होता था तो ऑनलाइन कर दिया, अब तुम साल में 2 बार ले रहे हो, जनवरी एंड अप्रैल, ठीक है, 2019 की बात करते हैं, बहुत अच्छा स्टेप, मतलब बेस्ट स्टेप, क्योंकि भाई हो सकता है किसी का एक बार में खराब हो जाए, दूसरी बार में तो सही हो ही जाएगा। अब वो कितना रेगुलेटेड था कि भाई 4 बार हो रहा है जनवरी में, 4 बार हो रहा है अप्रैल में, और इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं था भाई स्कोर के अंदर, ठीक है, और 180-90 नंबर पे आपकी आराम से 99% आ रही थी आउट ऑफ 360, ठीक है। अब क्या कर दिया भाई लोगों ने, अगले साल पैटर्न चेंज, 360 का पेपर था, 300 नंबर का बना देते हैं, 300 नंबर का बनाया, अब एक दो दो बार लेते हैं, ठीक है, फिर दो का दो में भी शिफ्ट कितनी हो गई, 16 शिफ्ट है, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, 2021 में करेंगे 4 बार लेते हैं। भाई क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में, भाई प्लान क्या है, डिसाइड कर लो यार कितनी बार लोगे, 15-15 दिन के गैप पे पेपर ले रहे हो, उससे फायदा क्या है भाई, बच्चा तैयारी तो कर नहीं पाएगा, कितनी सारे फ्लॉज है भाई इस सिस्टम में, ये समझ में नहीं आता है NTA के, तुम पेपर का पैटर्न इतना गंदा पैटर्न बना दिया भाई, केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंटीजर में दिए जाएंगे, ये क्या बात होती है भाई, कितना सर्टेन बना दिया तुमने पेपर को, कितना इजी बनाते जा रहे हो, हद कर रहे हो यार, पेपर के लेवल की लगा दिए तुमने, माव है ने कर दी भाई पेपर के लेवल की, तो सीरियसली गंदा, JEE मेंस का लेवल बिल्कुल घटिया कर चुके हैं इस साल का, किसी पेपर को बहुत टफ बना दिया, किसी पेपर को बहुत ही इजी बना दिया, किसी पेपर की मैथ्स है JEE एडवांस लेवल की है, किसी पेपर की केमिस्ट्री है वो बोर्ड्स लेवल की है, पता नहीं भाई चल क्या रहा है, चाहते क्या है, सिंपल सी बात है भाई, इस वीडियो का कोई मीनिंग नहीं है, बट ये टोटली ना जो भी तुम्हारे मन में भसड़ मची हुई है ना NTA को लेके, ठीक है, हाउ मच पिस्ड यू आर एट NTA, हाउ मच हेट यू हैव फॉर NTA, भाई लिख के चले जाओ भाई, हेट चलो बेकार है, पिस्ड वर्ड बिल्कुल सही है भाई, पिस्ड ऑफ कितने हो भाई तुम्हें ऐसी इतनी बड़ी नेशनल बॉडी के साथ, तो भाई वो लिख कर जाओ ताकि पता चले भाई, अगर किसी तक ये वीडियो पहुंचे ना, कभी कोई इस वीडियो को ट्वीट करे किसी ऑफिशियल तक, तो मजा आएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है,
जेई एडवांस के लिए हेल्पफुल टिप्स तुम्हारे लिए आ रही होंगी, प्लस काउंसलिंग अब चालू होने वाली है, तो जैसे ही जेई मेंस का रिजल्ट आएगा काउंसलिंग के ऊपर वीडियो आ जाएगी एक हेल्पफुल सी, जोसा काउंसलिंग के लिए और जैक के लिए भी तुम्हारे लिए एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा। जैक वाली अगर वीडियो चाहिए तो 11,000 सब्सक्राइबर पे हमें पहुंचा दो, 11,000 सब्सक्राइबर पूरे होते ही जैक दिल्ली की वीडियो आ जाएगी कि प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए, कौन से कॉलेज को प्रेफर करना है, क्यों प्रेफर करना है, फीस वगैरह सारी चीजों का। डीटीयू में मैं हूं तो मैं अच्छे से जानता हूं, ठीक है, तो सारी चीजों का अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस तुम्हें मिल जाएगा। तो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग और बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई मेंस।